K. Lakshman, 10 minutes. Thank you, madam. At the outset, I would like to congratulate this Modi's government. This is the 13th time the budget is being presented by this government. And after Modi ji coming to power for third consecutive term, which is also an, again in history. 60 साल के बाद एक गरीब परिवार से आए एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो चाय भेजा गया, ये हमारा लोकतंत्र के माध्यम से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये मोदी जी से संभव हुआ. 60 साल के बाद एक इतिहास है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट आवर ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी फॉर प्रेजेंटिंग दिस बजट फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर. इट इज़ ऑल्सो अगेन ए रिकॉर्ड. मैडम, दिस बजट इज़ अ रोड मैप फॉर 2047 फॉर मेकिंग दिस कंट्री अ विकसित भारत. विकसित भारत माने मोदी जी ने जो संकल्प लिया आज विकसित भारत के लिए. विकसित भारत जो भी सब राज्यों के हित के लिए जो सोचने वाली सरकार, सभी राज्यों के हित के लिए काम करने वाली सरकार, इसलिए विकसित भारत माना जाता है. मगर मुझे समझ में नहीं आता कहीं 7 दिन से कहीं नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ. एज फार एज माई नॉलेज गोस, यूनियन बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट आउटलाइन्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. मैडम, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट नॉर ए फाइनेंशियल एडवाइजर. आई एम ए लेमैन व्हेन इट कम्स टू द फिगर्स ऑफ बजट. बट आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर, जब हमारे कांग्रेस के नेता ये बजट के समय में, जब हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बजट तो सिर्फ दो ही राज्य के लिए बजट रखा गया, एक राज्य को पकौड़ा, एक राज्य को जिलेबी दिया गया, ऐसा वो कहकर उसी दल के अंदर से हमारे एक कांग्रेस के सांसद बिहार से आते हुए जहाँ के नाम पर वो बोलते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बात नहीं मानते हुए बोलते हैं कि बिहार को कुछ दिया ही नहीं. एक ही दल के अंदर किस तरह ये डबल टॉक, लोगों को गुमराह करने के लिए जो चुनाव में अब किस तरह भ्रम पैदा करके चुनाव जीतने का साजिश किया, इसी तरह बजट के बारे में भी आपके बिहार के नेता बोलते बिहार के कुछ नहीं दिया, और आप बोलते सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया बजट. और अन्य हमारे सदस्य भी बार बार यही जिक्र करते कि आंध्र प्रदेश के नेता भी बोले कि हम आंध्र प्रदेश कुछ दिया ही नहीं. ये इससे साबित होता है ये बजट के बारे में हकीकत में सिर्फ राजनीतिक माध्यम से बोलना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं. और अब ताजुब होता है मैं आपको बताते हुए, मैं जहाँ से आता हूँ तेलंगाना से, 4 दिन पहले वहाँ के भी बजट सेशन किया जा रहा है. वहाँ के मुख्यमंत्री यूनियन बजट पारित होने के बाद, यूनियन बजट यहाँ रखने के बाद, वहाँ एक प्रस्ताव रखा गया कि ये यूनियन बजट जो है पूरा ये तेलंगाना का खिलाफ बजट लगाया गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए रखा गया. ये प्रस्ताव वहाँ के दोनों दल भी प्रस्ताव पारित किए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया. मगर ताजुब की बात यह है, दूसरे दिन ही जो बजट पेश किया गया वहाँ के कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री वहाँ बजट में बताते हैं कि तेलंगाना के लिए लगभग 25,639.84 करोड़ ये बजट में, ये यूनियन बजट से केंद्र सरकार से मोदी जी सरकार से शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स के लिए बताते गए. और ग्रांट्स इन एड 21,075 रुपीज़ ये करोड़ ये बताएगा ये बजट ये तेलंगाना सरकार. ये एक और बताते हैं कि तेलंगाना के लिए कुछ दिया ही नहीं. और यही आप सरकार ये बजट आपका जो बजट एट अ ग्लैंस नाउ इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, शोइंग दैट ऑलमोस्ट इट कम्स टू 70,000 करोड़
where indigenous government has given to Telangana. और बार बार ये लोग बता रहे कि ये यूनियन बजट के अंदर सभी राज्यों का नाम नहीं लिया गया. ये मुझे समझ में नहीं आता. ये इतने राज्य के नाम लेना ये यूनियन बजट में ये ज़रूरी नहीं है. मैं यही पूछना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के नेता से, जब तेलंगाना का बजट में जब अब प्रस्ताव रखा गया, कितने जिलों का, वहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स है तेलंगाना के अंदर, कितने जिलों का आप प्रस्ताव किया गया था, मैं पूछना चाहता हूँ. इस तरह राजनीति करना, आप वहाँ बजट के अंदर एक दो जिला के नाम पर प्रस्ताव रखकर किस तरह बाकी जिला को हम बोल सकते क्या है? आप वहाँ हैदराबाद जो शहर कैपिटल सिटी है तेलंगाना का, 70% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम हैदराबाद अलोन टू द तेलंगाना स्टेट. मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं विधायक था दो बार हैदराबाद से. मैं पूछ सकता हूँ कांग्रेस सरकार को हैदराबाद के लिए इस बजट में आप क्या दिया. मगर मैं मानता हूँ कि दैट इज़ अ स्टेट बजट, इट रिफ्लेक्ट्स फॉर एंटायर स्टेट. दिस इज़ यूनियन बजट, इट रिफ्लेक्ट्स फॉर एंटायर कंट्री. ये जानकारी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए. ये मगर हैदराबाद को क्या दिया, एक बार आपके आंकड़े देखो. आपके मुख्यमंत्री ने हैदराबाद को किस तरह गुमराह किया और कितना रेवेन्यू आप हैदराबाद से. मगर मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ ऐसा. इसलिए लगभग 70,000 crores हैव बीन शोन टू द तेलंगाना इस यूनियन बजट के नाम से. इतना ही नहीं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात होती है या 11,11,000 crores, इट्स एन रिकॉर्ड बजट गिवन टू एंटायर कंट्री फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड इवन सी पोर्ट्स. दिस इज द डेवलपमेंट विच वी हैव बीन सीइंग फॉर द लास्ट 10 years. मैडम, आई लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर वॉट मोदी जी गवर्नमेंट हैज गिवन टू तेलंगाना फॉर द लास्ट 10 years. नियरली 10 lakh crores हैव बीन गिवन टू तेलंगाना इन द लास्ट 10 years. नेशनल हाईवेज के लिए 1,10,00,000 रुपये तेलंगाना को अकेला दिया गया कि तेलंगाना बनने से पहले जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर तेलंगाना का कोई नेशनल हाईवे ही नहीं था. आज 1,00,000 crores आज़ादी से लेकर 2014 तक 2,500 किलोमीटर रोड डलाया गया आपके नेतृत्व में. 60 साल आप सरकार में थे, राज्य में भी थे और केंद्र में भी थे. मगर इस 10 साल के अंदर मोदी जी सरकार 2,500 किलोमीटर रोड ये रिकॉर्ड स्तर पर आज नेशनल हाईवे को दिया गया तेलंगाना के अंदर. और वहाँ के तेलंगाना के अंदर निज़ामबाद आरमूर के जो किसान है, हल्दी के किसान, उनका मांग था एक टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए. आज हमारा संसद जो वादा किया, आज मोदी जी सरकार ने टर्मरिक बोर्ड ये हल्दी किसान के लिए दिया गया. ये कहला. मैं पूछना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के नेताओं से, 70 साल तेलंगाना के लिए एक एम्स भी नहीं दे सके आप. मगर मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो 70 साल में आप एक एम्स नहीं दिए गए, आज मोदी जी सरकार ने पहली बार तेलंगाना के लिए आज एम्स दिया गया, पहली बार है. उसी तरह आपके ज़माने में ये रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो फैक्ट्री था, वो तो किसान खेत के लिए यूरिया और फर्टिलाइजर्स जो सप्लाई करने के लिए वो बंद किया गया था. मगर मोदी जी सरकार आने के बाद 6,633 crores अलग बजट प्रावधान देकर आज रामगुंडम फर्टिलाइजर्स केमिकल फैक्ट्रीज को फिर दोबारा और रीओपन किया. कई हज़ारों आज उसमें काम कर रहे. उसके अलावा पूरे दक्षिण भारत के ये किसान के हित के लिए आज ऑन सप्लाई ऑन डिमांड ये आज यूरिया और फर्टिलाइजर दिया जा रहा है. उतना ही नहीं, 2,400 मेगावाट्स का यह पावर प्लांट NTPC का 11,000 से ये मोदी जी सरकार वो बजट में आवंटित किया. मगर वहाँ के राज्य सरकार 4 लेटर्स यहाँ के लिखने के बावजूद भी आज आगे नहीं आने से आज वो पावर प्लांट, इसीलिए कि उसका मतलब अलग है, वो अलग प्राइवेट एजेंसी से वो अधिक रेट से वो करंट पावर लेना चाहते थे. उसके अलावा पहली बार 70 साल के अंदर ट्राइबल के लिए एक यूनिवर्सिटी तेलंगाना के लिए, वो आदिवासी देवी देवताओं के नाम पर, सम्मक्का सारक्के के नाम पर मोदी जी सरकार ने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी दिया गया. जयराम रमेश जी HRD मिनिस्टर रहने के बावजूद भी वो आपके सरकार तेलंगाना में भी था, आंध्र प्रदेश में था और केंद्र में था, मगर कभी आप आदिवासी के हित के लिए कभी यूनिवर्सिटी नहीं दिया. आज RRR रीजनल रिंग रोड 21,000 से आज रीजनल रिंग रोड दिया जा रहा है. मगर वो भी आज राज्य सरकार वो अपना
आगे आने का भी आज हम सरकार मांग करते हैं। वारंगल में वैगन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दिया गया, उसके अलावा रेलवेज के लिए आई रियली थैंक आवर हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी जी, रिकॉर्ड लेवल नाउ बजट हैज बीन गिवन टू टू तेलुगु स्टेट्स, इट इज आंध्र प्रदेश एंड इवन टू तेलंगाना। Earlier, it was highest allocation to Andhra Pradesh combined state. It was only 800. Madam, my term is for 15 minutes, madam. It has been for 15 minutes. It was 884 crores only. Now, Telangana alone got 5,336 crores and Andhra Pradesh got 9,151 crores. Totaling, you can see how much difference. Hardly they have given 886 for entire Andhra Pradesh combined state. Like that now, entire now, Andhra and Telangana become 100% electrification. Apart from that, we have got 4 Vande Bharat trains to Andhra Pradesh and Telangana. 2 trains from Secunderabad to Visakhapatnam, and 1 train to Secunderabad to Tirupati, and 1 train to Kachigoda to Bangalore. Madam, even devolution of taxes to Telangana, during UPI it was 82,227 crores in 2004 and 2005. But in Modi ji government in 2024-25, Telangana got devolution taxes 12,19,782. This is a record level taxes been given to Telangana. Like that, even South India, we got 58,487 crores during UPI term. That is in 2013-14. Now South India, we got 1,97,059 crores to this South. आप कांग्रेस के नेता मानते हैं, दक्षिण के लिए अलग एक देश बनाना चाहते हैं। इस तरह आप जो तोड़फोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं, आज दक्षिण के भी लोग जानकारी हो, इसीलिए दक्षिण में भी किस तरह आज आपको टुकराया और भारतीय जनता को अपना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आज मैं बताना चाहता हूँ, आज कांग्रेस जो 7 महीने पहले तेलंगाना में जो सरकार 6 गारंटी के नाम पर एंड 66 अश्योरेंस हो गिवन, नाउ नथिंग हैज बीन मेटेरियलाइज्ड। 100 दिन के अंदर प्लीज कंक्लूड। यस मैडम, 100 दिन के अंदर आप जो गारंटी अमल करने का वादा किया, आज किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। महिला ने आज 8,500 रुपये महीने 8,500 रुपये के गारंटी कार्ड लेकर घूम रहे हैं आज कांग्रेस के कार्यालय पर, खटाखट खटाखट आओ ले 8,500, 1,00,000 रुपये देने की बात किया आपके नेता ने, अब लोग आज चक्कर में फंस गए। आज मैं आपके विपक्ष के नेता, मैं लोकसभा में सुन रहा था, ये ओबीसी के बारे में, एससी के बारे में, एसटी के बारे में ज़्यादा जो बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना के मेरे बार बार अब जिक्र कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, 1931 के बाद जितने भी आपके सरकार थे, कितने दशकों के साथ थे आप, अंग्रेजी के ज़माने में सेंसस हुआ मगर आपके ज़माने में कभी सेंसस हुआ नहीं। बार बार अब हमारे ऊपर आज सिर्फ जातिगत जनगणना का हमारे जिक्र कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक के अंदर जब आपके सरकार था, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, आप सर्वे किया गया जाति के नाम पर मगर वो प्रचलित नहीं किए, क्योंकि आपके अंदरूनी के गड़बड़ी के कारण से नहीं किया। मगर यही हमारा इंडिया सरकार बिहार के अंदर जातिगत जनगण का सर्वे किया और वहाँ पे आंकड़े भी प्रचलित किया। ये हमारा ये जो ओबीसी एससी एसटी के बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते मैडम, ये कि आप सजेशन मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहता हूँ कि द मेजर इश्यूज फॉर मिडिल क्लास इज रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। बिकॉज मैं जब हैदराबाद गया था, ये बजट पेश होने के बाद दे हैव कम टू मी एंड एक्सप्रेस देयर डिजायर टू सी दैट दिस एटलीस्ट दिस चेंज में बी अमेंडमेंट में गिवन, देर विल बी एन एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन, हेंस एन ऑप्शन शुड बी गिवन टू द मिडिल क्लास फॉर अप टू ए सर्टन अमाउंट ऑफ टू फॉर इंडेक्सेशन। मैडम, इसीलिए मोदी जी का सरकार सबके हित के लिए, सबका साथ सबका विकास जब बोलती है, तो सामाजिक रूप से हो, भौगोलिक रूप से, ये यूनिट जो बजट जो आज पेश किया गया, मैं उसका स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल।